तो भैया जी, पिछले हफ्ते हमारे YouTube पे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए और बहुत लंबा सफ़र रहा है हमारा यहाँ तक का। 3 साल लग गए हमें यहाँ तक आने में और काफ़ी ज़्यादा मायने रखता हमारे लिए ये नंबर, क्योंकि दिसंबर 2018, ये हैं हम अंकित गौर, जिनके इंस्टाग्राम पे तब 3,000 फॉलोवर हुए थे। तो सोचा बोरिया बिस्तर उठा के यूट्यूब की तरफ बढ़ा जाए। तो तब हमें 3 साल हो गए थे जिम करते हुए, तो पहली वीडियो सोचा कि अपनी जर्नी की ही शेयर की जाए। 1 जनवरी 2019 शाम को 7 बजे हमने चैनल पे अपनी पहली वीडियो अपलोड की, माई 3 ईयर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो भैया जी, वो चैनल की हमारे पहली वीडियो थी और देखा जाए तो उसमें कुछ भी खास नहीं था, सिर्फ कुछ तस्वीरें थीं जिनको एक सीरीज़ में लगाना था। लेकिन क्योंकि वो तस्वीरें ही हमारी जर्नी रिप्रेजेंट करती थी, तो बहुत ही मेहनत से। तो भैया जी, जब आप कुछ दिल से बनाते हैं ना, तो उस पर कितने व्यूज़ आते हैं, कितने लाइक्स आते हैं, ये मायने नहीं रखता। लेकिन अब उस वीडियो के बाद अब आगे कौन सी वीडियो बनानी थी, ये सवाल था। उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो कोई क्लिकबेटिया टॉपिक पकड़ो हमेशा के लिए और उसी पे वीडियो बनाते जाओ, या फिर दूसरा ऑप्शन था जिम वीडियोस का। उसके बाद 1 साल तक हमने हर महीने कोशिश की कि कोई वीडियो बनाए, ऐसी वीडियो बनाए जिसमें हमें अच्छा लगे, लेकिन नहीं बना पाते थे क्योंकि तब माहौल कुछ ऐसा था कि व्यूज़ और लाइक्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो हमने क्या बनाना है, हम क्या चाहते हैं, तो कभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा नहीं, क्योंकि तब कॉलेज भी था 9 से 5 के बीच में, तो खुद को कन्वेंस भी कर लिया था, समझा भी लिया था खुद को कि भाई तुम्हारे पास टाइम नहीं है वीडियोस बनाने का। और अंदर ही अंदर हम जानते थे कि शायद बना सकते हैं, लेकिन शायद कुछ ऐसा नहीं बना रहे थे जिसे हम बनाना चाह रहे हैं। तो खुद को समझा भी लिया कि हाँ, टाइम नहीं है हमारे पास। फिर भैया जी, लगता है 2020 में लॉकडाउन, और लॉकडाउन के टाइम पे हमने घर पे बहुत अच्छे से वर्कआउट किया था और उसको रिकॉर्ड भी किया, और लगा कि शायद शेयर करने से कुछ लोगों की मदद मिले, और भाई पता नहीं क्यों उस पर व्यूज़ भी बहुत आ रहे थे। लेकिन फिर वही बात है, कुछ महीने तक हमने लगातार वीडियोज़ बनाई और फिर से बंद कर दी। भैया जी, एक बहुत बड़ा हमारी ज़िंदगी में बदलाव आता है, वो होता है कि हमें जॉब मिलती है, गुजरात में। मतलब कि भाई, एक ऐसा लड़का जिसने यूपी से बाहर सिर्फ तभी गया हो जब वैष्णो देवी जाना हो या फिर पूर्णागिरी जाना हो, और उसके बाद अब हमें गुजरात में रहने का मौका मिल रहा है। तो उस समय बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे हम कि अब घर से बाहर निकलना है, यूपी से बाहर निकले हैं, घूमेंगे, एटलीस्ट कुछ नई जगह देखेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, वहाँ शायद वीडियोस बनाएंगे, घूमे भी, वीडियोस भी बनाई, व्यूज़ भी आए, लोगों का रिस्पॉन्ड भी आया। लेकिन अगेन, जो अंदर से खुशी नहीं मिलती है ना, तो वो ज़्यादा मायने रखती है। जब दूसरे लॉकडाउन में घर गए थे, तो तब हमारा वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा था, लेकिन वहाँ वीडियो बनाने में इस बार हमें काफ़ी ज़्यादा सुकून मिला, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि जिस तरीके की हम वीडियो बनाना चाह रहे थे, उसका कुछ पार्ट हम अपनी हर एक वीडियो में डाल रहे थे। तब भैया जी, हमने अपना घर पे ही पूरा जिम का सेटअप तैयार किया था और डेली हम अपनी वीडियोज़ बना रहे थे, और उसमें अपनी एक छोटी सी कलाकारी ऐड कर रहे थे जिसे हमें क्रिएट करने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो वो फेज़ ऐसा था पहली बार लाइफ का जिसमें हम वीडियोज़ बना रहे थे और इन्जॉय भी कर रहे थे। दूसरे लॉकडाउन के बाद जैसे ही घर पे आए वापस गुजरात, घर से वापस आए गुजरात या फिर घर से घर पे आए, तो फिर खुद को कन्विंस कर लिया कि भाई टाइम नहीं है। फिर कुछ दिन वीडियोस बनाई, फिर खुद को समझा लिया कि भाई तुम्हारी जॉब है 9 से 5, कभी 6 कभी 7, तो टाइम नहीं है तुम्हारे पास, रहने दो, तुमसे शायद नहीं होगा ये। फिर शायद वो हुआ
जो कि शायद बहुत कुछ सिखा के गया हमें और जिसका होना एक सौभाग्य मानेंगे हमें एक ही टाइम पे, और दुर्भाग्य भी क्योंकि वो फेज़ ऐसी थी, लेकिन बहुत कुछ सिखा के गई तो उसका हम हमेशा पॉजिटिव साइड देखते हैं। तो एक महीना अपने साथ ही टाइम बिताने के बाद दिमाग में कुछ चीज़ें क्लियर होने लगीं कि किस तरीके की हम वीडियोस बनाना चाहते थे हमेशा से और किस तरीके की वीडियो बनाना चाहते हैं। लेकिन सोचा एक बार दोस्तों को फ़ोन करते हैं, उनसे थोड़ी एडवाइस लेते हैं कि वो क्या बोलते हैं, किस तरीके की वीडियोस बनानी चाहिए हमें, उनसे हमें एडवाइस मिलती है। हाँ अंकित भाई, व्यूज चाहिए तो यार वीडियोस में थोड़ा लड़की वड़की दिखाओ, थोड़े MGPC करो, ऐसे प्लेन रखोगे तो व्यूज नहीं आएंगे, थोड़ा ऐसा कुछ करो, मसाला वगैरह डालो तो व्यूज भी आएंगे। बात तो सही है, लेकिन शायद हम उसके लिए नहीं बने हैं और बहुत से लोग हैं शायद उसके लिए नहीं बने हैं। बिकॉज ब्रो, आई एम जस्ट अ नॉर्मल पर्सन हु इज हैविंग अ 9-to-5 जॉब एंड हु इज आल्सो वर्किंग 6-to-12 ऑन हिज पैशन, जस्ट टू फुलफिल हिज ड्रीम एंड पैशन। मजा नहीं आई। मतलब भैया जी, हम सिर्फ एक आम इंसान हैं जिसकी 9-to-5 जॉब है। छह से आठ जिम है। और इसका एक और जो पैशन है वीडियो एडिटिंग का। बहुत ही सिंपल सी लाइफ है हमारी जिसको हम कैप्चर कर रहे हैं इन कहानियों में, क्योंकि भैया जी बात कुछ ऐसी है, ये हमारी दिखाने वाली बॉडी रहे ना रहे, हमारी कहानियां हमेशा रहेंगी।